गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो डेटा है, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग है वो कितना हुआ है। 7 बजे तक का डेटा मुझे मिल गया है। फ्रेंड्स देखिए, बता दूं मैं आपको, कल मुझे डेटा नहीं मिला था, लेकिन आज जो है 7 बजे तक का शाम का डेटा आपको दिखाने वाला हूं, आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स सारे जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि 7 बजे तक का है। मे बी मुझे 7 बजे जो है डेटा मिला है, हो सकता है वो जो डेटा हो 1 घंटे पुराना हो, लेकिन फ्रेंड बता दो ये आज का ही डेटा है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कहीं ना कहीं आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी जोन में भर रहे हैं, जिस भी जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं, वहां पर आपको पता चलने वाला है कितने फॉर्म भर चुके हैं, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। एक्चुअल में देखिए फ्रेंड, बता दूं आपको, ये जो चीज़ है वो कोई नहीं बताने वाला है आपको कि कितने स्टूडेंट एक पोस्ट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड ये चीज़ आपको पता चल जाती है तो कंपटीशन कम होगा, अगर कम स्टूडेंट वहाँ पर फाइट करेंगे एक सीट के लिए, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट फाइट करेंगे एक सीट के लिए तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर कि आप कैसा एग्ज़ाम देते हैं या फिर वो एग्ज़ाम कैसा आता है। ओके, सारे एग्ज़ाम इजी नहीं आते और सारे एग्ज़ाम टफ भी नहीं आते हैं। ओके, तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिसमें जीके, सीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोज आप अनअकैडमी और ऑनलाइन फ्री स्टडी दोनों पर देख सकते हैं। अनअकैडमी को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, देन आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और जो है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझसे जो है 0 क्रेडिट पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जीके, जीएस और करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो भी टेलीग्राम ग्रुप से। देन आप किसी भी वीडियो, जैसे कि जीके हो, जीएस हो, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, उसको भी टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो देखिए, पहले ही मैं बता दूं आपको, 35,277 यानी कि 35,277 वैकेंसीज थी टोटल। ओके, एक रूमर्स फैला था कि 45,000 के समथिंग वैकेंसीज हो गई हैं, लेकिन वो नहीं हुई। ओके, टोटल वैकेंसीज हैं किसके लिए, ग्रेजुएशन, जो आपका ग्रेजुएशन है उसके लिए 24,649। ओके, और जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th की वैकेंसीज है वो है 10,628 यानी 10,624 वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ओके, तो देखिए, जो भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप कोई भी पोस्ट चूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप गुड्स कार्ड स्टार्टिंग में रखें, फिर आप फिर रखें आपका जो भी आपको लग रहा है उसको, ठीक है। आप चाहे तो जो स्टेशन मास्टर है उसे रख सकते हैं, फिर उसके बाद जो है टाइपिस्ट वगैरह रख सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपको लग रहा है वो रख सकते हैं, लेकिन गुड्स कार्ड बहुत अच्छी जॉब है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, चलिए देखते हैं। पहली बात तो हम सबसे पहला जो है वीडियो को देखेंगे। ओके, देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको एक साथ ही पूरा परफॉर्मेंस दिखा दिया है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पूरी वीडियो में आपको सिर्फ यही स्क्रीनशॉट दिखाना था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे क्या मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर बताने वाला हूं तो वो आपको और या फिर आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें हेल्प करे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा जोन है। देखिए, पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी वैकेंसी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। पहले जो है अहमदाबाद में 1183 वैकेंसीज थी, लेकिन अब घट गई 1024 वैकेंसी है पिछले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। फॉर्म फिल्ड हुए हैं अभी तक 236,743। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 72.46 इसका कट ऑफ गया था। एक सीट की बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं, मतलब एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट जो होंगे वो एग्ज़ाम देंगे, 228, यानी कि बहुत अच्छा जो है यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है। अब देखें अजमेर की बात करें, 1773 वैकेंसीज यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, पिछली बार थी 1088। कंपटीशन के हिसाब से देखिए, फॉर्म फिल हुए 3,59,567 और पिछली बार जो कट ऑफ गया था 77.39। ओके, वैकेंसीज के हिसाब से देखें, एक पोस्ट में देखें तो 203 स्टूडेंट अभी फिलहाल के हिसाब से यहां पर फॉर्म फिल हुए हैं, एक सीट के लिए 203 स्टूडेंट फाइट करेंगे। बेंगलोर की हम बात करें तो बेंगलोर में देखिए यहां पर 2470 वैकेंसीज अभी फिलहाल में हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं पिछली बार के अलावा, मतलब देखिए उसकी जगह, और फॉर्म फिल्ड हुए हैं 527,489। ओके, ठीक है, और इसका जो कट ऑफ गया था पिछली बार कम गया था। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए सभी ने मुझे जो है कमेंट किए थे कि इसमें आप
प्रीवियस पेपर का जो है कट ऑफ दीजिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो इतना मैटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये जो रहेगा कट ऑफ इतना मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस दो पॉइंट ही मैटर करेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट और मैटर कर सकता है, अगर आप अच्छी पढ़ाई, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका कट ऑफ कम रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज वाला या जो आपका अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे थे बैंगलोर का, तो यहाँ पर देखिए 216 स्टूडेंट हैं एक सीट के लिए फाइट करेंगे। भोपाल में बताएं काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, 997 वैकेंसीज हैं, जिसमें कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिसको 20-20 30-30 वैकेंसीज मिली हुई हैं। ओके, 1151 थी पिछले टाइम, यहाँ पर फॉर्म फिल्ड काफ़ी अच्छा हुआ है, फिर भी देखा जाए 251782, और पिछले टाइम का जो कट ऑफ गया था वो 72.90 गया था, और 250 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको जो है कंपटीशन, अगर आप भरना चाहते हैं बिल्कुल भरिए। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, भोपाल देखिए आपके ऊपर है, वो डिपेंड करेगा, भोपाल जोन को छोड़कर किसी और में कीजिए। अगर आप देखिए वैकेंसीज तो हैं, लेकिन अगर आप फाइट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भुवनेश्वर की बात करें तो 498 वैकेंसीज हैं, पिछली बार भी लगभग इतनी 470 वैकेंसीज थी, फॉर्म फिल हुए 1,80,562, 71.91 यहाँ पर कट ऑफ गया था, और ये 353 बहुत ज़्यादा या बोले कि बहुत हार्ड जो है कंपटीशन होने वाला है, और इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है, पिछली बार से भी ज़्यादा हाई जाएगा। ये सोच लीजिएगा बहुत ही कम जो होंगे जोन्स होंगे यहाँ पर, पिछली बार से कम कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। जो आपसे बोले पेपर देने के बाद कि आपका कट ऑफ 50-55-60 जाएगा, वो डिपेंड करेगा अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो 70 से अब भी लगभग या मैं बताऊँ एवरेज बोलूँ तो 68 के जो एवरेज जो है कट ऑफ बनेगा जनरल का। बिलासपुर की बात करें 1207 और जो अभी वैकेंसीज हैं, और पिछले टाइम थी 302, बहुत अच्छी वैकेंसीज इस बार बिलासपुर में, 1,70,427 जो है फॉर्म फिल हुए, 68.79 यहाँ पर कट ऑफ गया था, और 149 यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर पोस्ट, एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं बिलासपुर में, मेरा कहना है ये मे बी सेफ जोन हो सकता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ में ग्रुप डी का बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया, और 2483 यहाँ पर वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, पिछले टाइम कम थी 304 मात्र, और फॉर्म फिल्ड बहुत अच्छा हुआ है 5,78,925। ओके, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है हमेशा ऑलवेज, क्योंकि NCR लगा हुआ है, ठीक है, हरियाणा है ही, हाँ देखिए राजस्थान लगा है, यूपी से भी कुछ स्टूडेंट आते हैं, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। पिछली जो एक पोस्ट के लिए 29239 यानी कि 240 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर या एक फर तक भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अच्छा है ऑलरेडी। चेन्नई में बात करें 2694 और वैकेंसीज थी पहले, अभी हैं, पिछले टाइम थी 976, बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन अब अच्छी वैकेंसी थी और फॉर्म फिल हुए हैं 467,416। ओके, और कट ऑफ गया था 72.16, और इस बता दूं आपको एक सीट के लिए 180 स्टूडेंट जो होंगे फाइट कर रहे हैं। ओके, अभी फिलहाल में, लेकिन जो बता दूं 3 से 4 दिन बाद जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो भर जाएगा, उसके बाद कितना फॉर्म भरा है, कैसा फॉर्म भरा, जो भी डिटेल होगी वो फाइनली रहेगी। आई थिंक ये जो रहेगी वो 300 भी कई जगह पर 400 भी क्रॉस कर जाएगी। ओके, गोरखपुर की बात करें तो 1298 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, पिछले टाइम थी 317। ओके, फॉर्म भरे हुए 387,526, पिछले टाइम जो गया था इसका कट ऑफ 77.43 और इस और एक सीट के लिए 302 यानी कि लगभग 302, देखिए अभी तो 302 हैं, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो है लगभग 100 स्टूडेंट जो 100 हो सकते हैं, 100 नहीं बोलूँगा 350 तो हो ही जाएंगे, यहाँ पर कॉम्पिटिशन रहे और ऑलवेज यहाँ पर कंपटीशन रहता है। तो मेरी कहना मानिए कि यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि यहाँ पर ही आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। ओके, देन आप फिर अपना आपके ऊपर है। ओके, गोरखपुर देख लिया हमने, अब देखने वाले हैं हम क्या लास्ट इंडियन गुवाहाटी 851 वैकेंसीज हैं, ज़्यादा अंतर देखिए पहले बार से दुगनी वैकेंसीज हैं, 409 थी लेकिन अब पहली बार से दुगनी वैकेंसीज हैं, और
99,952 फॉर्म फिल्ड हैं, 66.41 यहाँ पर कट ऑफ गया था, 234 यहाँ पर जो है कंपटीशन है एक सीट के लिए। और मैं बता दूँ यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप वहाँ के रीजनल हैं या आसपास के हैं तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोन हो गया हमारा, दो जोन हमारे बिलासपुर हो गए, तो ये दो जोन मैंने बताए हैं, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं अभी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप कहीं भी एग्ज़ाम भरिए, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, बिलासपुर देख लिया हमने, इसके बाद हमने गुवाहाटी तक हमने देखा है। ओके, देन हम देखने वाले हैं जम्मू एंड श्रीनगर। देखिए फ्रेंड, जम्मू एंड श्रीनगर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है पिछले टाइम से, पहले इतना कंपटीशन नहीं था। यहाँ पर फॉर्म जो पोस्ट हैं वो 898 पोस्ट और पिछले टाइम थी 171। ओके, लगभग यह है सात गुना जो है जो सीटें बढ़ी हैं, और फॉर्म फिल हुए 3,21,527। ओके, और यहाँ पर एक सीट के लिए 357 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं, और लगभग 400 हो जाएंगे आई थिंक, इतने अभी टाइम बहुत है। कोलकाता का देखें 2949 वैकेंसीज हैं मात्र। ओके, मात्र नहीं कहेंगे, ज़्यादा हैं, और पिछले टाइम से दोगुनी ही बोलो, तीन गुनी ही बोलेंगे हम, ठीक है। और फॉर्म फिल्ड 3,57,645 और 79.50 कट ऑफ गया था, 127 स्टूडेंट यहाँ पर एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। मालदा की बात करें, 1043 पोस्ट हैं, 2,88,464 जो है यहाँ पर फॉर्म फिल्ड हुए हैं, 61.87 यहाँ पर कट ऑफ गया था, 276 जो है स्टूडेंट यहाँ पर फाइट करेंगे एक सीट के लिए। मुंबई की बात करें तो ऑलवेज इज हाई। ओके, तो देखिए मुंबई में देखिए 3665 यहाँ पर वैकेंसी, ऑलमोस्ट दुगनी वैकेंसीज हैं। ओके, यहाँ पर देखें तो 6,88,856 फॉर्म फिल्ड हुए, 77.49 यहाँ पर कट ऑफ गया था, 194 यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जाता ही है हाई। ओके, आप भर सकते हैं, लेकिन मैं एक रियलिटी बता दूं मुंबई जोन की, मुंबई जोन बहुत व्यस्त है, बहुत ज़्यादा बिजी जोन माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भरना चाहते हैं भरिए, लेकिन जो है उसमें बहुत बिजी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि 8 घंटे से 9 घंटे वहाँ वर्किंग ही करना है, कोई वहाँ पर वर्किंग के अलावा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वर्किंग नहीं करेंगे। ओके, मेरे हिसाब से कहने का मतलब, यहाँ फॉर्म भरेंगे भर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर बिजी शेड्यूल चलता है ऑलवेज। ओके, मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ पर 329 वैकेंसी हैं, पिछली बार से कम हो गई है, लगभग 100 वैकेंसीज। ओके, 1,75,000 जो है यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं, 57.97 जो है इसका कट ऑफ गया है। ओके, पिछली टाइम। ओके, पटना की बात करें, जो कि इस अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं, जो अच्छा दिख जाएगा, बेहतर दिख जाएगा। ओके, पटना देख लेते हैं। देखिए पटना की देखें तो ये 1039 जो है वैकेंसीज है अभी फिलहाल में, पिछले टाइम से लगभग 300 वैकेंसीज जो है ऑलमोस्ट बढ़ी हैं, और 50,465 जो है फॉर्म फिल्ड है, 63.03 यहाँ पर जो है कट ऑफ गया था, 147 जो है यहाँ का बता दूं आपको, यहाँ का जो है मैं एक पोस्ट के लिए आप जो है फाइट कर रहे हैं स्टूडेंट। रांची की बात करें, 1386 यहाँ पर पोस्ट हैं, 1,91,526 जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, 63.75 यहाँ पर कट ऑफ गया था, 139 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट करेंगे एक पोस्ट के लिए। सिकंदराबाद आप भर सकते हैं, लेकिन सिकंदराबाद की बता दूं मैं एक और चीज़, सिकंदराबाद अगर आपका रीजनल में नहीं है तो मत भरिएगा, अगर रीजनल है तो भरिएगा। 3234 यानी 3,234 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, एससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप भर सकते हैं। और 5,28,526 यहाँ पर जो है फॉर्म फिल्ड है, 77.72 यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ गया था, 174 ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, या 174 फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है आपका एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी में 443 और जो है 76,174 जो है पोस्ट जो है आपको मिल एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, 67.51 यहाँ पर जो है आपको देखने के मिल जाएगा कितना पिछले टाइम कट ऑफ हुआ था, 145 लगभग यहाँ पर स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं अभी फिलहाल में। त्रिवेंद्रम में देखिए बात करें तो 897 यहाँ पर वैकेंसी हैं, लगभग दुगनी हुई हैं पिछले टाइम से, 215,735 जो है फिल्ड हुए हैं, 79.75 जो है पिछले टाइम कट ऑफ गया था,
240 या जहाँ पर देखिए 240 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। ओके तो फ्रेंड्स आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, देन बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।